नगर पालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर ने रविवार को ACC प्रबंधन मनमाने के खिलाफ अपने समर्थकों के साथ ACC गेट पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि आखिर क्या गलती है कि मैं यहाँ की जनता व मजदूरों से मिल नहीं सकता। प्रबंधन द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का बहाना बनाकर गेट के भीतर जाने से रोका जाने की बातें उन्होंने कही। नगर पालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर ने रविवार को ACC प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ गेट के सामने अपने समर्थकों के साथ बैठकर जमकर प्रदर्शन किया। जामुल नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि जब से नगर पालिका का चुनाव हुआ है तब से यहाँ की जनता से मुझे या किसी अन्य जनप्रतिनिधियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का बहाना बनाकर मिलने से रोका जा रहा है। आखिर मेरा या जनप्रतिनिधि का क्या कसूर है? निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता से मिल नहीं पाएगा तो किससे मिलेगा? ACC प्रबंधन ये भूल गया है कि कंपनी मुंबई में नहीं जामुल की जमीन पर स्थापित है। उन्होंने ACC प्रबंधन पर आरोप लगाया कि प्रबंधन हमारे समर्थकों को व जनता को खुलेआम चाकू मारने की धमकी देने वाले को नौकरी पर रखता है। ये कहाँ का न्याय है? हमें गेट पर रोककर हमारे वाहनों की जांच की जाती है। हमें बताना पड़ता है कि हम किससे और क्यों मिलने जा रहे हैं। उन्होंने ACC प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि आज के बाद अगर मुझे या किसी जनप्रतिनिधि को गेट पर रोका गया तो इस गेट को हम लोगों द्वारा बंद ही कर दिया जाएगा। मैं वही चीज इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा क्या गलती है कि मैं अपने लोगों से ना मिल सकूं। मेरे को आज यहाँ की जनता इतने आशीर्वाद से यहाँ लेके आई पार्षद बना के। मैं 7 तारीख को, मैं 23 तारीख को मेरा निर्वाचन हुआ, मैं पार्षद बना यहाँ के जनता के आशीर्वाद से। जीतते ही मैं यहाँ लोगों से मिलने के लिए आया, मेरे को बोल दिया गया कि यहाँ अभी कोरोना प्रोटोकॉल है। मैं यहाँ गेट में खड़ा होकर बाहर में हाथ जोड़ के एक वीडियो जारी किया कि मेरा निर्वाचन हो गया लेकिन यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नहीं आ सकता। मैं पूरी पब्लिक से क्षमा याचना करके यहाँ से बैरंग वापस चले गया क्योंकि उस समय कोरोना प्रोटोकॉल था। उसके बाद जस्ट 7 जनवरी को मैं पालिका अध्यक्ष के लिए निर्वाचन हुआ, उसमें भगवान कृपा यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से मेरे को पालिका अध्यक्ष का दायित्व मिला। लगातार मैं जब भी यहाँ आता हूँ, उस दिन 7 तारीख को निर्वाचन होने के बाद अध्यक्ष बनने के बाद मैं यहाँ आया फिर वही चीज मेरे से दोहराया गया कि आप नहीं जा सकते। मैं बैरंग वापस गया, उसके तत्काल बाद 24 तारीख को मेरी शपथ ग्रहण हुआ, मैं पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद लगातार जब भी यहाँ आता हूँ यहाँ मेरे को रोक दिया जाता है। बोलते हैं कि यहाँ ये प्रोटोकॉल है, इसके तहत आप बताइए। एक निर्वाचन होने के बाद उस जनता जिस जनता के बदौलत वो पार्षद बनता है, उनके सुख दुख के लिए बनता है, उनसे मिलने के उनका क्या करना है क्या नहीं करना इसकी जवाबदारी पार्षद की होती है। जब भी मैं आता हूँ मेरे को रोका जाता है, जब भी मेरी गाड़ी खड़ी करके चेक की जाती है बोला जाता है आप किनके यहाँ जा रहे हो। मैं रात को अगर किसी जनता को कोई तकलीफ हो, उनके अगर कोई काम के लिए आऊँ, मेरे से पूछा जाए तो मैं ये कब तक बर्दाश्त करूंगा। ये फैक्ट्री कोई बॉम्बे में नहीं खुली है, ये फैक्ट्री जामुल की जमीन में है, यहाँ के लोगों को सुविधा के लिए है, न कि यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए। बीच में यहाँ के कुछ लोग मेरे साथ मेरे सहयोग किए, यहाँ के वर्कर, उनके ऊपर अन्याय हुआ। उनके ऊपर एक कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनको 18 लोगों को नोटिस भेजा गया जिसमें 4-5 लोगों को इंक्रीमेंट दी, उनका इंक्रीमेंट रोक दिया गया। उसके विपरीत 18 लोगों को नोटिस दिया गया। मैं आपको लेटर दूंगा सब। उसके बाद हुआ भाई साहब, एक लड़का यहीं का हमारे समर्थक को जान से मारने की धमकी देता है, चाकू मारने, उसका मेरे पास आईडियो है प्रूफ के लिए। मैं इनसे बात भी किया, इनके HR हेड को सुनाया, वो बोलते हैं नहीं ये मेरे से अकेले में आग बात करें, ये कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नहीं है, इनके ऊपर कार्रवाई हुई, जो चाकू मारने की बात करता है उसको यहाँ नौकरी में रखा जाता है। ये कहाँ का न्याय है? आज हम लोग को इस गेट में घुसने के लिए जामुल के लोगों को अपना बताना पड़ता है कि किस लिए जा रहे हैं, किनके लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ जामुल के लाही के लिए, मैं इनको साफ साफ चेतावनी देता हूँ, आज के बाद कहीं इस गेट में मेरे को और किसी जनप्रतिनिधि को रोका गया तो ये गेट बंद होगा, ये जवाबदारी इनकी होगी। यहाँ के HR हेड जो यहाँ मनमानी कर रहे हैं वो जब तक यहाँ नहीं आएंगे यहाँ से हम लोग उठने वाले नहीं हैं।